में सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री का जो लगातार क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर जो मीटिंग चल रही है उसमें जो दो बड़ी बातें हैं जो क्लियर कट निकल के सामने आ चुकी है, यानी क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर एग्जाम्स जो है आपके जुलाई तक नहीं होने वाले हैं। एग्जाम्स को आपको जो है सीबीएसई बोर्ड जो है अगेनली जो है जुलाई के बाद यानी अगस्त के को लेकर सबसे बड़े विचार कर रही है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सबसे बड़ा फैसला जो सीबीएसई बोर्ड एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से आ रही है क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर। सबसे पहले जानिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कैंसिलेशन को लेकर और आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन को लेकर गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है, यानी 1 जुलाई को एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर आपके जो है पूरी कंप्लीट जो है उन्हें सर्कुलर देना है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आगे क्या सिचुएशन है और आगे सीबीएसई बोर्ड क्या करने वाली है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को आपको जुलाई अगस्त में लेने के बारे में सोच रही है या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को क्लास 10 की तरह असेसमेंट देने के बारे में विचार कर रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो सीबीएसई बोर्ड की बातें क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई बोर्ड दोनों ही पक्ष को सुन रही है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड एक पक्ष का मानना है सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन को लेकर कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है जुलाई के बाद यानी कि बात करें तो अगस्त में ले ले, वहीं एक पक्ष का साफ साफ कहना है कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना वेरी डिफिकल्ट है। जून और जुलाई के बीच में सीबीएसई बोर्ड अगर सोच रही है कि जून या जून के बाद जो है किसी भी मंथ में जुलाई अगस्त सितंबर में करवा लेंगे तो बिल्कुल भी ये जो है सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को और जो है फर्दर डिले कराना ये कोई भी सेंस नहीं बनता है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के छात्रों के लिए। उनकी तरफ से पूरी तरह कंप्लीटली क्लास 12 को लेकर अगर एग्जाम्स डिले करने को लेकर गवर्नमेंट कंसाइडर करने के बारे में सोच रही है तो ये बिल्कुल भी क्लास 12 छात्रों के लिए फेयर बात नहीं है। यानी कि बात करें तो इसी को लेकर एग्जाम्स कैंसिलेशन को लेकर मच मोर जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर यही फेवर है कि एग्जाम्स में क्लास 10 की तरह उन्हें असेसमेंट प्रदान कर दी जाए। इसी को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है एग्जामिनेशन को लेकर आपकी बात करें, एक और बात करें तो क्लास 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिलेशन कराने के रिगार्डिंग जो है FICCI के जो फाउंडर है उन्होंने भी जो है सबसे बड़ी बात कही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन को करवाना और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 को इंटर असेसमेंट को लेकर। पूरी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले जो लॉकडाउन का समय चल रहा है आपके स्कूल्स कॉलेजेस सभी बंद हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं घर पर बैठे ही अपनी जो है पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो ऐसे में अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी जो है सभी छात्रों के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट आयोजित कर रहा है जो 9 मई को जो अनअकैडमी का टेस्ट हो रहा है जहां पे आप लोग ज्वाइनिंग करके 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप आप जो है जीत सकते हैं। इनरोलमेंट करना काफी सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां से आपको जो है इनरोल कर लेना है और कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा CK12, इस कोड के माध्यम से आप फ्री में टेस्ट में हो सकते हैं। अनअकैडमी का जो कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है मैथमेटिक्स एंड आपका साइंस में होने वाला है, पूरी कंप्लीट जो टेस्ट होगा आपका मल्टीपल चॉइस बेसिस टेस्ट होने वाला है जो अनअकैडमी पे आपको कराई जाएगी। आप टेस्ट में जब शामिल होंगे तो आपके जैसे देश भर के तमाम छात्र जो शामिल होंगे उसमें से टॉप रैंक जो छात्र आएंगे उनको जो है अनअकैडमी या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराएगा, जो आपका वर्थ है 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अनअकैडमी का टेस्ट का कंप्लीट फॉर्मेट क्या है, 60 मिनट का आपको पूरी कंप्लीट टेस्ट होने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वीकली कॉम्बैट जो है अकेडमी हमेशा आपके लिए करवाता रहता है, नेगेटिव स्कोरिंग होगी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, आप अपने टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस यानी कि टेस्ट में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे उनका डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस जो है अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए करवाएंगे। 1 से 3 रैंक आता है तो 1 ईयर का स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, 4 से 10 आपका रैंक आता है तो 75% आपको अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको यहाँ पे ऑफ मिला जाएगा। इसी तरीके से तमाम 300 तक का आप जो रैंक लाते हैं तो भी आपको अकेडमी प्रोवाइड कराएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जल्दी से जाइए और कोड इस्तेमाल करना भूलिएगा CK12। सर पढ़िए जो आपके बात करी है मैंने आपको बताया FICCI के जो चेयरमैन है उन्होंने भी ये बात कही है, यानी कि देखिए एक बात आप लोग भी जानते हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर डिले के पक्ष में कोई भी नहीं होगा, चाहे वो छात्र हो चाहे आपकी कोई सी भी अगर आपको बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी से ही पूछा जाए तो क्या डिले करना है बिल्कुल भी छात्रों के लिए भी फेवर नहीं है, क्योंकि बोर्ड के लिए भी गलत बात है अगर वो डिले को इस तरीके से बारे में विचार करेंगे कि परीक्षाओं को अगस्त में जाके करवा लेंगे तो क्या इसकी गारंटी है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि थर्ड वेव भारत में आ सकता है, वो उसका जो है पीक है, थर्ड वेव का जो पीक है अभी सेकंड वेव का जो है वो लगातार भारत में प्रकोप मचा रहा है, उसी तरीके से थर्ड वेव आएगा तो उसका पीक अगस्त सितंबर अक्टूबर में होगा तो किस तरीके से कंट्रोल की जाएगी, बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्स को ओपन बुक करवाने की बात जो है आपके यहाँ पे चेयरमैन ने रखी है, तो इसी तरीके से एग्जाम्स को लेकर आप लोग को भी है एग्जाम्स कैंसिलेशन को लेकर आपकी क्या राय है, एग्जाम्स को क्या डिले करना फर्दर डिले करना आप लोग इसको लेकर पक्ष रखते हैं या सीबीएसई बोर्ड मंत्रालय को एग्जाम्स कैंसिलेशन के बारे में सोचना चाहिए, आप लोग इसको लेकर नीचे कमेंट करिएगा। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही, क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर हर एक लेजर सब्जेक्ट पे लगातार बने हुए।